In the place of v minus u, we can use at from this equation. So we can write in this equation, s is equal to ut plus half, यहाँ पे जो t है, मल्टीप्लाई में जो है आपका v माइनस यू की जगह हम यूज कर लेंगे at. तो ये क्या बन जाएगा आपका, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टी दो बार आ जाए. ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको बोलेंगे पोजीशन टाइम इक्वेशन. पोजीशन टाइम इक्वेशन, क्योंकि इसमें पोजीशन भी है और टाइम, पोजीशन के साथ जो टाइम है, तो इस इक्वेशन को आप पोजीशन टाइम इक्वेशन बोलते हैं. नेक्स्ट जो रिलेशन है हमारे पास वो है पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलो, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन बोलो, जो भी आपकी मर्जी है. हम ग्राफ उसी से बात कर रहे हैं. आपका जो ग्राफ था, मैं एक बार यहां पर भी बना देता हूं आपके लिए. आपका जो ग्राफ था ऐसा कुछ ग्राफ था, यहां वेलोसिटी यू थी, इस तरफ आप वेलोसिटी ले रहे थे, इस तरफ आप टाइम ले रहे थे. यहां पे जो टाइम था वो आपका टाइम जीरो हुआ था, और यहां कोई टाइम टी हो गया था. वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, और यहां जाके वेलोसिटी जो है वो वी हो गई थी. हमें पता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व ड्यू द डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज एरिया अंडर द वीटी कर्व या वीटी ग्राफ आप बोल सकते हो. तो डिस्प्लेसमेंट एरिया होगा. अब ये देखोगे तो ये ट्रेपेजियम बन गया. अगर आप इसको देखेंगे तो ये ट्रेपेजियम बन गया जिसमें दो साइड पैरेलल है, और दो जो है वो पैरेलल नहीं है. जिसमें भी दो साइड पैरेलल होती है उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं. तो एरिया अंडर द कर्व तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. और ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड जो पैरेलल साइड है, इनटू हाइट. ये फॉर्मूला होता है आपका ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम ये बन गया आपका ट्रेपेजियम. तो इसके अंदर ये पैरेलल साइड है, हम नाम भी इसी तरह दे लेते हैं. ये जो आपके नाम ओ, इसको बोला था ए, इसको बोला था हमने, यहां पे आपने इसको बी बोला था, यहां पे आपने इसको सी पॉइंट बोला था, ये आपका डी पॉइंट है. तो ट्रेपेजियम जो है वो क्या है आपका, ओ ए बी सी, ये आपका ट्रेपेजियम है. इसमें अगर आप देखोगे तो पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड वो कौन सी है, ये और ये साइड पैरेलल है, तो सम हो गया. आप यहां पे लिख सकते हो ओ सी प्लस ए डी मल्टीप्लाई में हाइट. हाइट कितनी, अगर ये दो पैरेलल साइड है तो इसकी हाइट जो है वो ये होगी, ये वाली हाइट. अगर ये दो पैरेलल साइड है, ट्रेपेजियम को देखोगे तो आप ऐसा कुछ होता है, ऐसे एक पैरेलल साइड है और एक हिस्से मिलती है, एक हिस्से मिलती है, ये पैरेलल साइड है. यहां पे ये दोनों पैरेलल साइड है, तो हमने इनका सम कर लिया ओसी प्लस एडी. और इसकी हाइट कितनी है, ये वाली ओए, इसकी हाइट कितनी है ओए. तो आप इसको सोल्व कर दें, क्या हो जाएगा, हाफ जो जो वैल्यू ओसी, ओसी ओसीसी, आप इस एक्सिस में जा रहे हो, इस एक्सिस में वेलोसिटी है, ओसीसी तक की वेलोसिटी कितनी है यू, तो आप इसको लिख पाएंगे यू प्लस एडी, ए से डी, इस एक्सिस में ए से डी जो वैल्यू होगी वो क्या है वी, मल्टीप्लाई में ओ ए. ओ ए को अगर आप बात करेंगे यहां पे तो ये आपका आ जाएगा पी. तो ये हम इक्वेशन को जानते हैं, ये वाली इक्वेशन. इस इक्वेशन को यहां पे भी आप यूज कर सकते हैं. फ्रॉम ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, आप इसको एस से लिख सकते हो. ये वाली इक्वेशन हमने मान ली थर्ड.
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम आप इसको लिख सकते हो वीटी इक्वेशन कौन सी थी? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन की अगर आप बात करें तो वो आपकी क्या थी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये वाली इक्वेशन। आप इस यहां से वैल्यू टी की निकाल लो और यहां रख दो, तो टी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वी माइनस यू डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी। इस इक्वेशन को आप फोर्थ इक्वेशन मान। अब क्या होगा, इस फोर्थ को इस थर्ड में यूज कर लो, टाइम की जगह हम ये यूज कर लो, इक्वेशन फोर्थ यूज इन थर्ड इक्वेशन, इसको इसमें यूज करेंगे तो एस का वैल्यू कितना आ गया, हाफ वी प्लस यू, यू प्लस वी, वी प्लस यू कुछ भी लिखे, टाइम की जगह आप क्या लिख देंगे, वी माइनस यू बाई ए, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो आप इसको सोल्व करोगे 2a इस तरफ आ जाएगा, तो कितना हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। दिस इज द इक्वेशन बिटवीन द पोजिशन एंड वेलोसिटी, दिस इज पोजिशन टाइम इक्वेशन। तो हमने यहां पर मोशन की तीन इक्वेशन को पढ़ लिया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ये पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी है। वो तीन इक्वेशन कौन कौन सी है, एक तो इक्वेशन है आपकी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, दूसरी इक्वेशन है आपकी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये वाली इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन पोजीशन टाइम इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन जो है वो पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है, इन्हीं के बेस पे हम आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके सोल्व करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक और है इस यूनिट में जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका क्या होता है, अगर आप एक स्केयर मान लिया कि एक ट्रैक है, रेक्टेंगल ट्रैक है, और आप इसके चार इसके एज के ऊपर आप दौड़ रहे हो, आपने यहां से दौड़ना शुरू किया, आप एक बार मुड़े फिर अगली बार मुड़े फिर अगली बार, आपकी स्पीड एक जैसी रही लेकिन आप नहीं, यहां से चार बार आपने जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, आप ऐसे जा रहे फिर ऐसे बदल दिया ऐसे जा रहे। अगर आप पेंटागन की बात करें, एक रेगुलर पेंटागन, अगर आपके ट्रैक का सेप ऐसा कुछ था तो आपने जो है पांच बार डायरेक्शन को बदला। अगर आपका जो ट्रैक है वो एक हेक्सागन होगा तो आपने छह बार अपनी डायरेक्शन को स्पीड को बदला होगा, स्पीड आपकी एक जैसी रहे, डायरेक्शन आप अगर बदलोगे तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहां पर अगर मान लिया कि आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, तो 10 मीटर पर सेकंड से जैसे ही आप चल रहे थे आपने यहां पे डायरेक्शन को बदल दिया, तो स्पीड तो वही रही लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन के बदलने से बदल गई है, तो वेलोसिटी यहां पे चेंज हो रही है। तो यहां अगर देखेंगे वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो मोशन जो होता है
उसके अंदर एक्सेलरेशन नाम की चीज आ जाती है, वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आप जैसे ही टर्न बदलोगे, जैसे ही आप मुड़ोगे, मुड़ते ही आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। 10 मीटर पर सेकंड पहले भी दौड़ रहे थे आप, 10 मीटर पर सेकंड अब भी दौड़ रहे हैं, लेकिन पहले इस डायरेक्शन में दौड़ रहे थे, आप इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 4 बार चेंज हुई, यहाँ पे 5 बार चेंज हुई, यहाँ पे 6 बार चेंज हुई। ऐसे ही आप ऑक्टागन को ले लोगे जिसकी साइड 8 में आप लेते हो, ऐसे तो आपने 8 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। लेकिन आपका जो रेसिंग ट्रैक है वो कुछ ऐसा हो जिसको आप सर्कल बोलते हो, सर्कुलर ट्रैक हो, तो आप तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज करते ही जा रहे हो। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती जा रही है, इनफाइनाइट टाइम, बार बार, क्योंकि वो हर सेकंड में, हर सेकंड का भी कुछ हिस्से में हर बार आप डायरेक्शन को, पहले आप इधर जा रहे थे, अब आप इधर जा रहे हो, 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 हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो जब भी आप एक सर्कल में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करोगे, अगर आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट होगी, कॉन्स्टेंट मतलब एक जैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड से भी आप ट्रेवल करते हो, तब भी आपकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाए। स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज, और जहां पे भी वेलोसिटी चेंज होती है उस मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो सर्कल में जब आप रिवॉल्व करते हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट भी रहती है, तब भी आपका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और आपका आप एक्सेलरेटेड मोशन, यहां पे मोशन मतलब अगर कोई आपसे ऐसी सिचुएशन पूछे कि जहां पे स्पीड चेंज ना हो, आप 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहे थे, 10 मीटर पर सेकंड से ही दौड़ते जा रहे हो, तो क्या वो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन मोशन एक्सेलरेटेड हो? तो ऐसा पॉसिबल है। सर्कुलर मोशन में स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन मोशन को वहां पे वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है तो यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और कांस्टेंट स्पीड से अगर आप चलते जाओगे तो ऐसे मोशन को जिसमें आप डायरेक्शन बदलते ही जा रहे हो, स्पीड यहां पे कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन में जहां पे स्पीड कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है वहां। अगर इस केस में बात करूं, आप एक टर्न जब लेते हो तो मान लिया इसका जो रेडियस है वो आ रहा है, तो टोटल पाथ कितना ट्रेवल करोगे? अगर यहां पे आपको स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे? स्पीड का तो एक लौता फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहां पे देखोगे तो एक चक्कर अगर आप लगाते हो तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करोगे? 2πr। और टाइम जो भी आप करें, ऐसे आप यहां पे स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, 2πr डिवाइड बाई टी। तो ये आपका सर्कुलर मोशन। तो ये यूनिट का थ्योरी यहीं पे खत्म होगा। इसके अंदर इफ वी मूव ऑन ए सर्कल, इफ वी, इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, इफ वी मूव ऑन ए सर्कल विद कॉन्स्टेंट स्पीड, then motion is known as circular motion. तो uniform circular motion में बात करें तो velocity speed जो होती है वो constant होती है। दूसरी बात, वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। तीसरी बात, एक्सेलरेशन यहां पे
एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होता, नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। आप इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं। सर्कुलर मोशन के और भी काफी सारे एग्जांपल हैं। अगर आप एक रस्सी से स्टोन को बांध के ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो भी एक सर्कुलर मोशन आप वहां पे देख सकते हो। जैसे ही रस्सी को अगर आप काट दो मोशन चलते चलते, या फिर रस्सी टूट जाए, तो स्टोन के मोशन को आप ऑब्जर्व करो, ये आपकी एक्टिविटी है। जैसे ही आप काटोगे तो स्टोन जो है उस सर्कल में ना चक्कर काट के उससे रेडियली आउटवर्ड जाएगा। जैसे ही आप उसको काटोगे तो वो बाहर की तरफ जाता है, तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होता है रस्सी उसको एक टेंशन जो फोर्स है वो प्रोवाइड करती है, और आप ऐसे सर्कल में जब घुमाते हो तो अगर कट जाए, कटने के बाद वो सर्कल में मूव ना करके बाहर की तरफ निकलता है। तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। अब हम कुछ क्वेश्चन को ट्राई करें। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपकी वो तीन इक्वेशन जो हमने लास्ट में करवाई है, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं, एक इक्वेशन है v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square minus u square is equal to 2ax। ये तीन इक्वेशन के ऊपर ये पांच क्वेश्चन हम जो है एनसीईआरटी के अंदर जो अनसोल्व प्रॉब्लम है वो है, उनको हम सोल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि इन इक्वेशन के बेस्ड आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि बोर्ड पे जगह खाली होती चली जाए और हम काम कर पाए। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन को फेंका जाता है, मान लें कि आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपने किसी स्टोन को फेंक दिया ऊपर की तरफ 5 meter per second, वेलोसिटी जो है ऊपर की तरफ है। तो आपको जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो कुछ साइन कन्वेंशन आपको लेने पड़ेंगे, आप अपनी मर्जी से साइन कन्वेंशन ले सकते हो। अगर आप ऊपर जाने वाली चीज को नेगेटिव लेते हो तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नीचे वाली को पॉजिटिव ले लेते तो ऊपर वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आपकी मर्जी है आप क्या मानते हैं। आप जब भी डायरेक्शन की बात करोगे आप एक तरफ को पॉजिटिव लोगे तो दूसरी तरफ को नेगेटिव मानना ही पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, एक स्टोन है जिसको आप फेंकते हो कहां, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ मैंने मान लिया कि पॉजिटिव आपको लेना है और नीचे की तरफ मैं नेगेटिव लूंगा सारी चीजों। तो क्या हुआ, ए स्टोन thrown in a vertically upward direction with velocity 5 meter per second। तो initial velocity हम u से denote करते हैं, initial velocity तो वो कितनी है 5 meter per second, ऊपर की तरफ है इसलिए हम यहां पे positive लेंगे। If the acceleration of the stone during the motion is 10 meter per second in the downward direction, एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हम इस 10 की जगह क्या लेंगे -10 लेंगे, क्योंकि हम ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं नीचे वाले को नेगेटिव, तो नीचे जो जो जाएंगे उन सबको नेगेटिव ले रहे हैं। उसके बाद व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। बोल रहे हैं कि ऊपर कितना जाए, अगर आपने इस वेलोसिटी से फेंका एक्सेलरेशन ये लग रहा है तो ऊपर कितना जाए। अब ऊपर कितना जाएगा मतलब आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो आपको एस निकालना है। लेकिन आप देखें, आप जब भी किसी स्टोन को फेंकते हो इसमें एक बात छुपी हुई है, वो कौन सी बात है, जब भी आप स्टोन को फेंकोगे तो पहले वेलोसिटी उसकी कुछ थी, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वेलोसिटी कम 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 कम, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी उसने कहीं ना कहीं दे रखी है वो कितनी है आपकी जीरो। फाइनल वेलोसिटी आपकी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी दे रखी है, एक्सेलरेशन आपका दे रखा है, आपको एस निकालना है। तो देख लो किस में ये फिट बैठती है,
तो यू वी, यू दे रखा है, वी दे रखा है, एस दे रखा है, ए दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि कितनी हाइट जाएगी, तो एस आप निकाल लोगे इस इक्वेशन से, ये तीसरी इक्वेशन, इसमें एक ही अनोन बचा था, आप चेक कर सकते हो कौन सी इक्वेशन लगेगी, उसके लिए क्या होगा कि आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसमें U दे रखा है, V दे रखा है, S पूछा है, S पूछा है, तो दो इक्वेशन है, S या तो ये लगेगा या ये लगेगा। अगर आप ये इक्वेशन लगाते हो तो हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते फर्स्ट सिचुएशन में, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे जिसमें S है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। जो भी आपकी वैल्यू को रख दो, V की वैल्यू तो जीरो है तो जीरो का स्क्वायर यहाँ पे आ जाए, U की बात करेंगे तो U 5 मीटर पर सेकंड है तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 2, A कितना होगा यहाँ पे, A जो है -10 आप रखोगे, -10 और S आप निकाल दोगे, तो सोल्व करोगे तो कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो -25 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -20 एस यहाँ पे आ जाएगा। तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल, 25/20। आप इसको सोल्व करोगे तो 5/4 दैट इज 1.4 मीटर, ये आपका आंसर, सॉरी 1/4 यहां पे कितना आ जाएगा 2, उसके बाद 1.25 मीटर, ये आपकी हाइट आ गई जो उसने अटेंड की थी। अब आपको टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कि कितना टाइम उसने लिया है। अब देखो आप, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है और आपको टाइम चाहिए, टाइम आपका दो इक्वेशन में आ गया, या तो ये इक्वेशन यूज करो या ये इक्वेशन यूज करो। तो हमारे पास, हमें पता चल गया है कि S, हमें पता चल गया है कि आप, आपको क्या निकालना है, आपको S निकालना है। तो आप इनमें, इन दो इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। अगर ये देखोगे तो आपके पास V भी है, U भी है, A है, और आपको टाइम निकालना है, तो आप सीधे सीधे इक्वेशन से निकाल सकते हो। ये इक्वेशन यूज करके भी आप सोल्व कर सकते हो। तो हम, मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, वी is equal to u plus at, v कितना 0, u कितना 5 plus में, ये a की बात करें तो वो कितना -10 और यहाँ पे क्या हो गया t। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 5 minus -10 t, minus से minus cancel, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/10 that is 1/2 that is 0.5 second, ये सारा काम 0.5 second में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। अगर ऊपर वाले चीजों को आप पॉजिटिव लोगे तो नीचे वाली को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हाइट 1.5 मीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ये सारा कार्यक्रम कितने टाइम में हो जाएगा, 0.5 सेकंड में हो जाएगा। तो ये जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन। अब हम जो है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए रेसिंग कार, यहां पे कार है, कार, रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड। उसने एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, 10 सेकंड के बाद टाइम भी उसने दे दिया कितना है 10 सेकेंड। फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो स्टेटमेंट जिन्हें जो जो दे रखे है उसको आप लिखते जाए साथ साथ, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो हमें एस निकालना है। आफ्टर स्टार्ट, जब स्टार्ट उसने किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, स्टार्ट तो जीरो से ही किया होगा। तो ये चीजें आपको गिवन है और ये आपको निकालना है। एस निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन जिनमें ऐसा आता है, एक तो ये है, एक ये।
अगर इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं तो हमारे पास v नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। इस इक्वेशन को यहां पे लिख दो तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है आपका, s तो निकाल रहे हैं, u कितना है, u यहां पे 4 है, डायरेक्शन चेंज होती नहीं तो इसलिए साइन कन्वेंशन भी नहीं है, u की जगह 4 पुट कर दिया। टाइम की बात करेंगे तो 10 सेकंड प्लस हाफ a कितना है, a 4 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 4 हो गया, और टाइम की बात करेंगे तो टाइम 10 सेकंड है, उसका आप स्क्वायर कर दो। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये 40 प्लस में यहां से ये 2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 200, तो कितना आ गया ये 240 मीटर। तो वो जो कार है 10 सेकंड के अंदर 240 मीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर लेगी, ये सेकंड इक्वेशन से आपका आ गया। उसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन has an acceleration 2 cm per second square, what will be its velocity 3 second after the start? तो क्या बात कर रहे हैं कि किसी inclined plane पे वो चल रहे हैं, उसका acceleration भी उसने दे रखा है। तो a trolley while going down inclined plane has an acceleration उसने दे दिया कितना 2 cm per second square, What will be velocity after 3 second? Start जब किया होगा तो initial velocity 0 होगी, और time भी उसने दे रखा है कि कितने time बाद आपको बताना है, वो आपका 3 second। तो मैंने सारी information यहां से लिखी, निकालना क्या है, What will be the velocity? मतलब आपको v निकालना है, final velocity after 3 second क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये second का जो चक्कर है इसको हटाना पड़ेगा, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 2 सेंटीमीटर का अगर आप मीटर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10^-2 कर सकता हूं मैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, मतलब 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, पर 1 सेंटीमीटर के मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर आप लिखेंगे इस तरह होगा तो 1/meter 1 सेंटीमीटर के इक्वल क्या हो जाएगा, 10^-2 मीटर, तो 1 सेकंड की जगह मैंने क्या रख दिया, 10^-2 मीटर, तो ये आपका आ गया है। v हमें निकालना है, तो ये तो साफ-साफ दिख रहा है, आप सब कुछ दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, एक्सेलरेशन तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेंगे, v निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at, u कहाँ है, u कितना है, u 0 है यहाँ पे, प्लस में a कितना है, a यहाँ पे 2 × 10^-2 है, और टाइम की बात करेंगे तो वो 3 सेकंड है, कितना हो गया ये 6 × 10^-2 मीटर पर सेकंड, this is the velocity of that particle। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये आ जाएगा 6, इसको आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी दैट इज अटेंड बाय दैट ट्रॉली व्हिच गोइंग डाउन इन गोइंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन। तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है हम क्वेश्चन 2 करेंगे, क्वेश्चन 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन 2 में क्या देखते हैं, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड उसका दे रखा है, स्पीड उन लोगों ने दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक आर अप्लाइज सो दैट टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोल रहे हैं कि ब्रेक लगाए
अब जैसे ब्रेक लगाते हैं तो आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे, उसको डी एक्सेलरेट कर रहे हो, मतलब आप उसकी स्पीड को कम कर रहे हो। अगर एक्सेलरेटर दबाते तो वेलोसिटी बढ़ती है, आप उसको पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन डी एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन अलग होती है, उसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर उस तरफ है ब्रेक दबाने के बाद आप किसी चीज को इस तरफ खींच रहे हो, इसका मतलब ये होता है साफ कि आप उसकी वेलोसिटी को कम कर रहे हो, मतलब आपका एक्सेलरेशन इस तरफ काम कर रहा है, तो डायरेक्शन अलग होगी। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो उसने दे भी रखा साइन के साथ, -0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट रोड टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले कितनी दूरी तक गई होगी, कितनी दूरी तक गई होगी, इसका मतलब आपने एस निकालना है, और रेस्ट में आने से पहले इसका मतलब फाइनली वो रेस्ट पे आ गई होगी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी, जीरो। तो ये सारी चीजें उसने दे रखी है। शुरुआत में तो देखो आप, जब इसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में, तो यही मैच नहीं हो रहा, तो आपको इस या तो इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो ज्यादातर लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इसको करने का क्या तरीका है, 90 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, किलोमीटर की जगह मैं रख देता हूं 1000 मीटर, और पर आवर, आवर की बात करें डिवाइड में, 1 आवर की जगह मैं क्या कर देता हूं 1000 मीटर हो जाएगा सर, और ये आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप इसको सोल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, उसके बाद 9 से चला जाएगा 9 से ये 4, ये हो जाएगा आपका 10, उसके बाद ये चला जाएगा 5, तो यहाँ पे आप देख लो इसको, ये आपका आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, 90 किलोमीटर पर आवर आपका जो है वो 5/18 25 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे आपको एस निकालना है, 90 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही थी तो उसका इनिशियल स्पीड उसने ये दे रखा है, तो यू आपको दे रखा है, वी आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, एस आपसे पूछा है, तो एस आपसे पूछा है तो एस के लिए दो इक्वेशन हो सकती है, या तो ये, लेकिन टाइम नहीं दे रखा इसलिए इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, v² - u² = 2as, v कितना है 0, माइनस u कितना हो गया आपका 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2, a जो है आपका वो दे रखा है -0.5, और s आपको निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है, तो आप सोल्व कर लीजिए, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, इसका स्क्वायर आप करेंगे तो -325 ये हो जाएगा 2, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एस 1 की मल्टीप्लाई एस के साथ करेंगे तो एस ही रहेगा, एस का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका जो है सेकेंड क्वेश्चन है कि वो 625 मीटर ट्रेवल करेगी आफ्टर द ब्रेक अप्लाई, इतने मीटर तक वो जा पाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब सीधे सीधे बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए का वैल्यू उसने दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, इसका मतलब उसने टाइम भी दे दिया है 2 मिनट, 2 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट ही कर लो, यहां पर कितना हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाएगा। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड,
इतने टाइम में उसने स्पीड मतलब वी का वैल्यू आपको निकालना है। तो इस इक्वेशन में अगर आप देखो u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, v पूछा है, तो सीधी सीधी हमारी इक्वेशन कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस at। कई सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि इक्वेशन कौन सी यूज करें, तो इक्वेशन आपसे पूछा क्या गया है वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो v का वैल्यू आप निकाल सकते हो, यू जीरो, ए दे रखा है आपका 0.1 और टाइम की बात करें तो 120 सेकंड, तो आप इसमें सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 120 मीटर पर। सॉरी आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा 12 मीटर पर मीटर। दूसरे पार्ट में उसने पूछा था डिस्टेंस ट्रेवल, एस आप निकालिए कितना। तो एस एस के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, जो मर्जी है उससे निकाल दो, हम इससे निकालेंगे। एस का फॉर्मूला क्या है यहां पे, यूपी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यूपी कितना है बताए हमें, जीरो, तो क्या हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कुछ भी हो, टाइम वैसे है कितना 120 सेकेंड, प्लस में हाफ ए कितना है यहां पे 8.1 और टाइम की बात करें तो टाइम कितना है 120 का स्क्वायर होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो जीरो ही होगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 120। आप इसको सोल्व कर दो, एक से तो एक कैंसिल हो, ये चला ही जाएगा 60, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई में 60, ये आ जाएगा 720 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगी। तो आप ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। हम इसके बाद आप जो भी आपकी एक्सरसाइज में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में इसमें प्रॉब्लम का नंबर हमें भेज सकते हैं, आप इससे पूरी की पूरी एनसीईआरटी सोल्व कर सकते हैं। ये एक लेक्चर है जिसमें आपकी पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी चैप्टर नंबर 9 जो 9th क्लास का है वो पूरा का पूरा कवर होता है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे।